आपका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम डिजाइनर एक्सपेंडेबल ट्रेवल बैग स्टिच करेंगे, जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये हमने डिजाइनर एक्सपेंडेबल ट्रेवल बैग स्टिच किया है। फ्रंट साइड से ये हमारा ऐसा है और बैक साइड से ये ऐसा है। फ्रंट साइड में हमने यहाँ पे देखिए डिजाइन करते हुए जिप को स्टिच किया है, राउंड शेप में स्टिच किया है, और बैक साइड में हमने यहाँ पे एंड किया है। और बैक साइड में हमने एक देखिए एक बड़ी सी पॉकेट दी है, इसको जिप से ओपन करेंगे। ये देखिए, इसमें काफ़ी स्पेस है और इसमें आप अपना सामान रख के यहाँ से जिप से लॉक कर दीजिए। पूरा ये यहाँ से यहाँ तक की पॉकेट है, इसमें काफ़ी स्पेस है। और ये देखिए, दोनों साइडों में हमने एक एक पॉकेट दी है, यहाँ पे भी इसमें काफ़ी स्पेस है, ये देखिए। और इसको हम जिप से लॉक करेंगे और एक पॉकेट हमारी इस साइड से है। दोनों साइडों से हमने एक एक पॉकेट दी है, इसको जिप से ओपन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, इसको हम जिप से लॉक कर देंगे। और सेंटर के पार्ट को हम देखिए डबल रनर देते हुए हमने इसमें अटैच किया है जिप को, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ये पूरी जिप हमारी एंड तक यहाँ तक ओपन हो जाएगी, ये हमारा पूरा ये ओपन हो जाएगा और इसमें हम अच्छे से अपना सामान इसमें सेट कर सकते हैं। और दोनों साइडों में देखिए हमने एक एक पॉकेट दी है, दोनों पॉकेट हमारी एकदम नीटली स्टिच हुई है। अंदर से देखिए काफ़ी खूबसूरत ये हमारी दोनों पॉकेट स्टिच हुई है। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही नीटली स्टिच हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बैग है। इसको हम यहाँ से देखिए, जब हमको ज़्यादा सामान की रखने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये नीचे से ये हमने यहाँ पे जिप दी है, इसको हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा बैग बढ़ के थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो हम इसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसमें सेव करके रख सकते हैं। देखिए, ज़्यादा सामान इसमें रखते हुए हम इसको यहाँ से जिप से लॉक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से इसको हम जिप से ओपन करेंगे। देखिए, एंड तक हमने यहाँ पर जिप दी है, हम जिप से पूरा यहाँ तक इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, जितना पार्ट हमारा ये खुल के बढ़ गया है, ये पार्ट हमने ये जो बॉर्डर दिया है, इतना पार्ट हमारा खुल जाएगा तो हमारा सारा सामान इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए, अब इसमें काफ़ी स्पेस हो गया है, पहले थोड़ा सा कम था, ऐसे था, अब ये खुल के कुछ ऐसा हो गया है। पूरा बैग अंदर से हमने एकदम नीटली स्टिच किया है, इसमें हम अपना अच्छा खासा सामान अच्छे से सेट करते हुए इसको हम यहाँ से, और एक पॉकेट हमने यहाँ पे दी है। देखिए, ऊपर फ्लैप में जब हम इसको खोलेंगे तो एक ये देखिए यहाँ पे एक पॉकेट दी है, इसमें भी काफ़ी स्पेस है और बहुत ही खूबसूरत पॉकेट स्टिच हुई है। फ्रेंड्स, इसको हम सामान अपना रखते हुए जिप से ऐसे इसको हम लॉक कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत बैग स्टिच हुआ है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर स्टिच करिए और कहीं भी सफ़र में जाइए तो इस बैग को ले जाइए, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में ये। फ्रेंड्स, एक छोटा हैंडल दिया है कैरी करने के लिए और एक बड़ा हैंडल दिया है क्रॉस करके इस बैग को लेने के लिए। इसको अगर छोटा करना है तो आप इसको यहाँ से जिप से देखिए इसको ऐसे लॉक कर देंगे तो ये हमारा बैग छोटा भी हो जाएगा। देखिए, जब हमको सामान ज़्यादा रखना है तो हम इसको खोल के बड़ा कर लेंगे, जब हमको सामान कम रखना है तो इसको हम ऐसे जिप से लॉक करके इसको छोटा कर लेंगे। देखिए, अब ये बैग हमारा छोटा हो गया है, इसको अंदर करते हुए ये देखिए जिप से हम लॉक कर देंगे, ये हमारा बैग अब छोटा हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा बैग पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइनर एक्सपेंडेबल ट्रेवल बैग स्टिच करेंगे। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट द वर्क। एक्सपेंडेबल ट्रेवल बैग बनाने के लिए हमने 16x24 का ये हमने क्विल्टेड पीस लिया है। ये देखिए, 16x24 का हमने क्विल्टेड पीस लिया है और एक हमने ये प्लेन पीस लिया है। एक क्विल्टेड पीस है 16x24 का और एक प्लेन पीस है, और ये 8x16 का हमने क्विल्टेड पीस लिया है। ये 8x16 का क्विल्टेड पीस है और ये 6x16 का हमने ये क्विल्टेड पीस लिया है। देखिए, 6x16 का क्विल्टेड पीस है और एक ये प्लेन पीस है 6x16 का, और 8x11 का दो क्विल्टेड पीस लिया है हमने। देखिए, 8x11 का दो क्विल्टेड पीस लेना है, 8x11 के फोर हमने प्लेन पीस लिए हैं। ये देखिए, फोर प्लेन पीस लिए हैं, 8x11 के फोर प्लेन पीस लेने हैं, और ये 7x14 का दो प्लेन पीस लेना है। ये देखिए, 7x14 का दो प्लेन पीस है और 9x18 का एक प्लेन पीस है। देखिए, 7x14 का दो प्लेन पीस लेना है और 9x18 का एक प्लेन पीस लेना है।
कि 5x48 का फुलटेड पीस है और एक प्लेन पीस है। 5x48 का एक फुलटेड पीस है और एक प्लेन पीस है। ये 16 इंच की जिप ली है हमने, ये 16 इंच की जिप है और इसमें हमने रनर डाल लिया है और ये 53 इंच की जिप हमने ली है। ये देखिए, ये हमने 53 इंच की जिप ली है और इसमें हमने रनर डाल लिया है और ये 45 इंच की जिप ली है हमने। ये 45 इंच की जिप है, इसमें हमने रनर नहीं डाला है। इसमें दो रनर डालने के लिए हमने ये अलग से रनर लिया है, इसमें दो रनर पड़ेंगे। तो ये 45 इंच की जिप है और दो रनर लिए इसमें डालने के लिए और ये 6 इंच की दो जिप ली है। देखिए 6 इंच की दो जिप ली है हमने और इसमें दोनों में रनर डाल लिया है हमने और ये 8 इंच की तीन जिप ली है। देखिए तीन जिप है, इसमें तीनों में हमने रनर डाल लिया है, 8 इंच की जिप है तीनों। 5 इंच की दो बेल्ट लेनी है और 15 इंच की एक बेल्ट है और एक हमारी 45 इंच की बेल्ट है। देखिए एक 45 इंच की बेल्ट है, एक 15 इंच की बेल्ट है और 5 इंच की दो बेल्ट लेनी है हमको और ये 1.5 इंच की हमने पाइपिंग ली है। सबसे पहले 8x11 का ये कुल्टेड पीस लेंगे और इसमें देखिए हमने एक साइड से राउंड शेप दिया है और एक साइड से राउंड शेप नहीं दिया है। तो जिस साइड से हमने राउंड शेप दिया है उस साइड हमें नीचे से 2 इंच पे डाउन करना है। ये 2 इंच पे डाउन करेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे और इस जो हमने मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे हम इसको कट कर लेंगे। देखिए कट करके इसको अलग कर लेंगे। अब हम 8 इंच की ये जिप लेंगे और जिप को हम, ये देखिए जिप का ये सीधा साइड है और ये सीधा साइड है, इसको हम ऐसे उल्टी जिप ऐसे रखेंगे और सीधे स्टिच करके जिप को इसमें अटैच कर देंगे। देखिए हमने सीधे स्टिच करके जिप को इसमें अटैच कर दिया कुल्टेड पीस में। अब इसको हम इस साइड लाएंगे और ऊपर से हम दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने सीधे स्टिच कर लिया है। अब ये वाला पार्ट लेंगे जिसको हमने कट किया था, इसको हम देखिए ये सीधी साइड है, इसको ऐसे पलट के उल्टी साइड ऐसे रखेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। इसके बाद ऐसे पलटते हुए हम इसमें दाब सिलाई दे देंगे। जिप में अटैच करते हुए हमने दाब सिलाई दे दी है। अब ये पार्ट हमारा इसमें अटैच हो गया है। अब हम 8x11 का ये प्लेन पीस लेंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे रखेंगे और चारों साइड से स्टिच करके इसमें प्लेन पीस को अटैच कर देंगे। चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को देखिए हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट करके निकाल दिया है। अब ये पॉकेट हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हम 8x11 का ये दूसरा प्लेन पीस लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर का कट लगा लेंगे। हल्का सा कट लगाना है सेंटर का। ये देखिए यहाँ पे हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब सेंटर के कट से हमें 2 इंच नीचे डाउन करना है और एक सीधी लाइन खींचनी है। ये हमने मार्क कर लिया है 2 इंच डाउन करते हुए। अब ये वाला प्लेन पीस लेंगे, 7x14 का ये प्लेन पीस लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर का कट लगा लेंगे। ये देखिए इस साइड हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब हम ये जो सेंटर का मार्क है, ये जो हमने यहाँ पे सेंटर का कट लगाया है, इस पे ऐसे लाइन मार्क करते हुए हम 2 इंच पे नीचे डाउन करके ये जो हमने मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे इस पीस को ऐसे रखेंगे और सेंटर का कट एकदम सेंटर पे होना चाहिए और यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। देखिए मार्क वाली लाइन पे इसको सेट करते हुए हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। 7x14 का जो प्लेन पीस इसमें पिन अप किया है, यहाँ से इस वाले पीस में हमें 1.5 इंच पे ऐसे मार्क करना है। देखिए 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें 3 इंच इस साइड से और 3 इंच इस साइड से, यानी 6 इंच में हमें यहाँ सेंटर से मार्क करना है। ये देखिए 3 इंच सेंटर के मार्क से 3 इंच इधर, 3 इंच इधर, यानी 6 इंच में हमें मार्क करना है यहाँ पे।
जो हमने मार्क किया है मार्क के हाफ से भी हाफ इंच पे इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हमें मार्क करके सीधी लाइन खींचनी है स्केल से। देखिए थोड़ा सा नीचे डाउन करते हुए इसी के नीचे हम इसी के बराबर की 6 इंच की लाइन खींच लेंगे, ऐसे करते हुए मार्क कर लेंगे और एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए ये हमने बॉक्स बना लिया है। ये जो बीच वाले मार्क पे हमें स्टिच नहीं करना है, ये जो हमने बॉक्स बनाया है बॉक्स में स्टिच करते हुए इसको प्लेन पीस को इसमें अटैच करना है। ये जो हमने बॉक्स बनाया था बॉक्स के देखिए चारों साइड से हमने स्टिच करके इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया। ये 7x14 का ये प्लेन पीस है, इसमें हमने अटैच कर दिया इसको। अब हम पिन को पहले निकालेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए इसको ऐसे करते हुए हम बराबर में ऐसे फोल्ड कर लेंगे और जो सेंटर पे हमने मार्क किया है वहाँ पे हम हल्का सा ऐसे कट लगा देंगे। देखिए सेंटर वाली लाइन पे हमें कट करना है, ये हमने कट लगा दिया है और इसको हम सीधे ऐसे कट करते हुए एंड में हमें वी शेप में कट करना है। इसे करते हुए वी शेप में कट कर लेंगे। ऐसे ही इस साइड भी हम ऐसे सीधे कट करेंगे मार्क के ऊपर और एंड में हमें वी शेप पे कट करना है, ऐसे करते हुए वी शेप में कट कर लेंगे। अब हमें ये जो प्लेन पीस है इसको अंदर ले जाना है। देखिए इसको अंदर की साइड ले जाना है और इसको सेट करते हुए यहाँ पे हम पहले इसको सेट कर लेंगे और पिन अप कर लेंगे। ये देखिए 7x14 के प्लेन पीस को हमने बैक साइड में इसको पिन से सेट कर लिया है। अब हम ये 6 इंच की जिप लेंगे। देखिए जिप को हम ऐसे रखेंगे, ये उल्टा साइड है, इसको ऐसे रखेंगे जिप को और यहाँ पे ऐसे सेट करते हुए हम चारों साइड से स्टिच करके इसमें जिप को अटैच कर देंगे। चारों साइड से स्टिच करते हुए देखिए हमने जिप को इसमें प्लेन पीस में अटैच कर दिया है। अब हम इस साइड आएंगे और पिन को निकाल लेंगे और ये जो 7x14 का प्लेन पीस है इसको हम ऊपर की साइड में ले जाएंगे। देखिए ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टिच करेंगे और 3 साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को यहाँ से लॉक कर देंगे। करते हुए पॉकेट को हमने लॉक कर दिया है। ये देखिए ये पॉकेट हमारी यहाँ से अंदर से लॉक हो गई है। अब यहाँ पे ये पॉकेट हमारी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए ये पॉकेट हमारी यहाँ पे ऐसे बन के रेडी हो गई है। अब ये देखिए ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम ये जो हमने यहाँ पर एक पॉकेट अभी स्टिच की है क्विल्टेड पीस में, इस वाली पॉकेट को हमें इसके ऊपर ऐसे रखते हुए यहाँ पे पहले सेट करना है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे हम और पिन लगा लेंगे के 2 पिन लगा लेंगे ऐसे ऊपर नीचे, जैसे ये पार्ट हमारा खिसके ना। चारों साइड से स्टिच करते हुए इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब इसको हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट करके निकाल दिया है। अब हम पिन को निकाल लेंगे। अब ये देखिए अंदर की साइड में हमारी ये पॉकेट बन गई है, अंदर की साइड में इस ये वाली पॉकेट बन गई है और बाहर की साइड में ये वाली पॉकेट बन गई है। देखिए 2 पॉकेट हमारी रेडी हो गई है, ये बाहर की पॉकेट है और ये अंदर की पॉकेट है। जैसे हमने इस पीस को रेडी किया है ऐसे ही हमको ये दूसरा 8x11 का क्विल्टेड पीस है इसको हमें ऐसे ही रेडी करना है। जैसे ये प्लेन पीस वाली जिप को हमने अटैच किया है और ये वाली पॉकेट अटैच की, ऐसे ही हमको ये वाला क्विल्टेड पीस रेडी करना है स्टिच करके। ये देखिए दूसरा पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है स्टिच करके। जैसे हमने ये वाला पार्ट स्टिच किया था ऐसे ही हमने ये वाला पार्ट भी स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम 16x24 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे। देखिए सीधी साइड से हमें यहाँ पे एक साइड से ऊपर से हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। देखिए ये हमने मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे ऐसे करते हुए सीधी लाइन खींच लेंगे, ये हम सीधे मार्क कर लेंगे ऐसे और 2.5 इंच पे इस साइड मार्क करेंगे। ये देखिए 2.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करते हुए हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ऐसे मार्क करना है, 2.5 इंच पे हमने मार्क किया है और ऐसे ही इस साइड भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए इस साइड भी हम 2.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे
और एक सीधी लाइन खींच लेंगे, से मार्क कर लेंगे सीधी लाइन खींच के। देखिए ये हमने दोनों साइड से, देखिए 2.5 इंच पे इस साइड से और इस साइड से ऐसे करते हुए हमने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। देखिए ऐसे करते हुए यहाँ पे हमने राउंड शेप दे दिया है। कोई भी ऐसे ढक्कन ले लीजिए, उससे आप राउंड शेप दे सकती हैं। देखिए ऐसे हम दोनों वाली मार्क वाली लाइन पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे राउंड शेप दे देंगे। इससे मार्क करना इजी हो जाता है। ऐसा कोई भी ढक्कन लीजिए जिससे आप ऐसे राउंड शेप दे दीजिए। ये देखिए दोनों साइड से हमने राउंड शेप दे दिया है ऊपर की साइड में। अब हम इसको कट कर लेंगे। जो अंदर की तरफ हमने ये मार्क किया है इसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए मार्क करके हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको हटा देंगे और इस पार्ट को लेंगे और ये 45 इंच की जिप लेंगे। जो हमने 45 इंच की जिप ली थी इसको लेंगे और इसको बीच से हम अलग कर देंगे। देखिए इसको ऐसे हम अलग कर लेंगे। ये देखिए इस जिप को हमने अलग कर लिया है और ये जिप का हमारे सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। देखिए उल्टी जिप को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे राउंड में थ्री साइड से इसको जिप को हम अटैच कर देंगे। स्टिच करते हुए यहाँ पे अटैच कर दिया है कुल्टेड पीस में। अब हम 16x24 का ये प्लेन पीस है, इसको हम यहाँ पे जैसे हमने उस कुल्टेड पीस को 16x24 के कुल्टेड पीस को कट किया है वैसे ही हम ये प्लेन पीस कट कर लेंगे। हम ऊपर की साइड में 6 इंच पे ऐसे नीचे मार्क करेंगे। 6 इंच पे मार्क करके हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेंगे। लेकिन जैसे हमने कुल्टेड पीस कट किया है वैसे ही हमको ये प्लेन पीस कट करना है। कट कर लेंगे इसको भी। देखिए इस साइड से 2.5 इंच पे मार्क करना है ऐसे। ऐसे ही इस साइड भी हम 2.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। अब हम इस ढक्कन की हेल्प से हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। देखिए कॉर्नर पे ऐसे रखेंगे और ऐसे करते हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे और ऐसे ही इस साइड भी हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए प्लेन पीस को हमने कुल्टेड पीस की तरह कट कर लिया है। अब हम इस पार्ट को हटा देंगे। अब देखिए इस प्लेन पीस में हमें जहां से हमने शेप दिया है इस साइड से हमें नीचे 2 इंच पे ऐसे डाउन करना है। हम डाउन करके एक सीधी लाइन खींच लेंगे ऐसे ही 2 इंच पे नीचे डाउन करके। 2 इंच डाउन करके हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सेंटर का मार्क कर लेंगे, चौक से सेंटर का मार्क लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा इसका ये सेंटर है। और 9x18 की ये प्लेन पीस को लेंगे और प्लेन पीस को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए प्लेन पीस को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हल्का सा कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे। देखिए 9x18 का प्लेन पीस है और ये जो हमने मार्क किया है 2 इंच पे यहाँ पे, ये देखिए ये जो कट है बिल्कुल सेंटर के मार्क पे हमें कट को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे 2 इंच की मार्क पे ऐसे रखना है इस प्लेन पीस को। और यहाँ पे हम इसको ऐसे सेट करते हुए हम पहले पिन लगा लेंगे। देखिए हमें एक पिन लगानी है ऐसे, ये हमने पिन लगा लिया है। अब हम यहाँ से जो हमने ये 9x18 का प्लेन पीस इसके ऊपर रखा है यहाँ से 1.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। से मार्क किया और यहाँ पे हमें सेंटर के मार्क से हमें 3.5 इंच इस साइड मार्क करना है और 3.5 इंच इस साइड, यानी 7 इंच पे हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है और एक सीधी लाइन खींचनी है। और यहाँ पे मार्क वाली लाइन से यहाँ पे नीचे हम एक ऐसे सीधी लाइन खींच लेंगे और एक दोनों तरफ से ऊपर नीचे मार्क करते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे अभी हमने एक पॉकेट स्टिच की है वैसे ही यहाँ भी हमें इस पॉकेट को स्टिच करना है। तो अब जो हमने बॉक्स बनाया है बॉक्स के चारों साइड से हम यहाँ पे इस प्लेन पीस को इसमें स्टिच करके लॉक कर देंगे। देखिए 7 इंच पे जो हमने मार्क करके बॉक्स बनाया था उसके चारों साइड से स्टिच कर लिया है हमने। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे
और जो सेंटर का मार्क है उस पर हम हल्का सा यहाँ पे कट लगा देंगे और इसको हम ऐसे करते हुए दोनों साइड से कट कर लेंगे और एंड में हमें वी शेप में कट करना है। स्टिच लाइन को बचाते हुए हमें कॉर्नर में वी शेप में कट करना है दोनों साइड से। अब हम पिन को निकाल लेंगे और इस पीस को हमें अंदर की साइड ले जाना है और अंदर की साइड में हमें इसको सेट करना है पिन से पहले। ये देखिए हमने पिन से सेट कर लिया है। अब हम 8 इंच की ये जिप लेंगे और जिप को हम ऐसे रखेंगे और सीधी साइड ऐसे लाएंगे और यहाँ पे ऐसे सेट करते हुए चारों साइड से स्टिच करके हम जिप को इसमें अटैच कर देंगे। चारों साइड से स्टिच करते हुए हमने जिप को इसमें अटैच कर दिया है प्लेन पीस में। अब हम इस साइड आएंगे और ये जो प्लेन पीस है 9x18 का, इसको हम ऊपर की साइड में ये ऐसे मिलाते हुए इस प्लेन पीस को ऐसे हटाते हुए 3 साइड से स्टिच करेंगे और इस पॉकेट को हम लॉक कर देंगे। करके हमने पॉकेट को लॉक कर दिया है। अब ये पॉकेट हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। ये देखिए यहाँ पे ये पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। अब इसको ऐसे लॉक कर देंगे। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, कुल्टेड पीस लेंगे जिसमें हमने जिप को भी अटैच किया था और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे उल्टी साइड। ये हमारा सीधा साइड है तो जहाँ पे हमने शेप पे कट किया है, देखिए प्लेन पीस में इधर शेप में कट किया है और ये कुल्टेड पीस में शेप में कट किया है, इसको हम ऐसे सेट करते हुए देखिए ऐसे सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। पहले चारों साइड से हम पहले पिन से अटैच कर लेंगे इसको। ये देखिए चारों साइड से हमने पिन से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ जहाँ पे जिप नहीं लगी है, ये वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा और यहाँ से पूरा हम 3 साइड से स्टिच करके और प्लेन पीस को जिप में अटैच कर देंगे। करते हुए प्लेन पीस को हमने कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब हम पिन को निकाल लेंगे और ये जो हमारा राउंड शेप है जिस साइड, उस साइड हम ऐसे कट लगा लेंगे। देखिए स्टिच लाइन को बचाते हुए हमें ऐसे कट करना है और इस साइड से भी राउंड शेप में हमें ऐसे कट कर लेना है। स्टिच लाइन कट नहीं होनी चाहिए। अब हम इस साइड से इसको पलट के हम सीधी साइड ले आएंगे। पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब हम यहाँ से दाब सिलाई देते हुए 3 साइड से स्टिच करके हम इसमें दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए देखिए हमने स्टिच कर लिया है और जिप हमारे यहाँ पे देखिए एकदम नीटली स्टिच हुई है अंदर से और ये बाहर से। देखिए एकदम नीटली हमारी अंदर बाहर की साइड में स्टिच हो गई है और हमने दाब सिलाई दे दी है 3 साइड से। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और इसमें हम जो हमने जिप को अलग किया था, इस वाली जिप को हमें पूरा यहाँ पे 3 साइड से स्टिच करके इसमें अटैच करना है। ये हमारी सीधी साइड जिप है और ये उल्टी साइड जिप है। यहाँ से स्टिच करते हुए हम यहाँ तक 3 साइड में स्टिच करेंगे और जिप को हम इसमें कुल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। हमने जिप को इसमें अटैच कर दिया है कुल्टेड पीस में। अब हम ये प्लेन पीस लेंगे जिसको हमने इसी शेप में कट किया था। ये देखिए ये प्लेन पीस है और प्लेन पीस को हम ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखते हुए हम पहले पिन से अटैच करेंगे इसको। देखिए ऐसे सेट करते हुए हम पिन लगा लेंगे पहले। अटैच कर दिया है। अब हम इसको जिप के ऊपर, देखिए प्लेन पीस को जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और पूरा हम 3 साइड से स्टिच करके जिप में हम प्लेन पीस को अटैच कर देंगे। जिप के ऊपर प्लेन पीस रखते हुए 3 साइड से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम ये जो हमारा ये शेप है, शेप में कट किया है, यहाँ पे हमें हल्के हल्के ऐसे कट लगाने हैं। देखिए ऐसे कट लगा लेंगे शेप में। स्टिच लाइन को बचाते हुए हमें कट करना है। देखिए शेप में हमने कट कर लिया इस साइड, ऐसे ही हम इस साइड भी
ऐसे हल्का हल्का कट लगा लेंगे। अब हम इसको पलट के सी उल्टी साइड ले जाएंगे। देखिए ऐसे करते हुए हम इस साइड ले जाएंगे और हम अच्छे से सेट करके यहाँ पे बैक साइड में इसको हम ऐसे सेट करते हुए पिन लगा लेंगे। ये देखिए हमने पिन से सेट कर लिया है। अब हम इसको सीधी साइड लाएंगे और हम यहाँ पे दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए देखिए हमने जिप पे दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है और ये दूसरी साइड भी हमने प्लेन पीस को अटैच कर दिया है। ये देखिए हमने यहाँ से भी प्लेन पीस को अटैच कर दिया है। अब ये प्लेन पीस इसमें अटैच हो गया है क्वल्टेड पीस में। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमने अभी जिप को अटैच किया था, इसमें हम रनर को डालेंगे। देखिए ऐसे करते हुए यहाँ पे ऐसे करेंगे और दोनों पार्ट लेंगे जिप का और रनर लेंगे और यहाँ पे हम रनर को ऐसे डाल लेंगे इस साइड से। ये देखिए इस साइड से हमने रनर को डाल लिया है। अब हम इसको इस साइड लाएंगे और इस साइड से भी हम दूसरा रनर डाल लेंगे। देखिए दूसरा रनर लेंगे और इसको हम इस साइड से दूसरे रनर को इस साइड से डाल लेंगे। ये देखिए ये हमने रनर इसमें डाल लिया है। अब ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है। अब हम 6x16 का ये क्वल्टेड पीस लेंगे और 16 इंच की ये जिप लेंगे। 16 इंच की जिप को हम इसके ऊपर, ये हमारा सीधा साइड है जिप का और ये उल्टा साइड है, इसको हम ऐसे रखेंगे और सीधे स्टिच करके जिप को क्वल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके जिप को हमने क्वल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब हम जिप को इस साइड लाएंगे और यहाँ पे ऊपर से दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने सीधे स्टिच कर लिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसमें अभी जिप को हमने अटैच किया है और देखिए इस साइड से जिधर से हमने रनर डाला था इस साइड से हम इस वाले क्वल्टेड पीस को, ये देखिए जिप की साइड पे ऐसे सीधा रखते हुए, ये हमारा उल्टा साइड है, ये दोनों सीधा साइड है, ऐसे रखते हुए और ये प्लेन पीस लेंगे। इस वाले 6x16 से हमने ये 7x16 का ये प्लेन पीस लिया है, एक इंच हमने इससे बड़ा लिया है। इसको हम देखिए ऐसे करते हुए यहाँ पे बैक साइड रखेंगे। इसको ऐसे करते हुए हम यहाँ पे ऐसे रखते हुए हम जिप वाले पार्ट को और प्लेन पीस को और क्वल्टेड पीस को तीनों को ऐसे लेते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच कर लिया है और प्लेन पीस के साथ हमने स्टिच करके क्वल्टेड पीस में देखिए अटैच कर दिया है जिप वाले पार्ट को। अब हम इसको पलट के इस साइड ले आएंगे। ये वाला पार्ट हम बैक साइड में ऐसे लाएंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टिच करेंगे और थ्री साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे क्वल्टेड पीस में। थ्री साइड से देखिए स्टिच करके हमने प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब इसको पलट के सीधी साइड लाएंगे और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को देखिए हमने कट करके निकाल दिया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, बराबर में रखेंगे और इसे सेट करेंगे और यहाँ पे कट लगा के सेंटर का मार्क करेंगे। हल्का सा कट लगाएंगे यहाँ पे और इस साइड से भी कट लगा के हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है, ये हमारा सेंटर है और यहाँ पे जो पॉकेट हमारी स्टिच हुई है इसको यहाँ से ओपन करेंगे और ये जो पॉकेट वाला पार्ट है इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। देखिए जो ये पॉकेट वाला पार्ट है इसको ऊपर की साइड में कर लेंगे, जैसे ये पॉकेट हमारी स्टिच ना हो। ऐसे करते हुए हम इस साइड लाएंगे और ये 15 इंच का हमारा हैंडल है। हैंडल को हम ये सेंटर वाले मार्क पे पहले ऐसे रखेंगे, फिर इसके बाद ऐसे करते हुए यहाँ पे स्क्वायर शेप में स्टिच करके इसको रेडी करेंगे। ऐसे ही इस साइड भी हम स्टिच करके हैंडल को अटैच कर देंगे। Thank you.
करके देखिए हमने दोनों साइड से हैंडल को स्टिच कर लिया है। देखिए यहाँ पे 1 इंच पे स्क्वायर शेप पे यहाँ पे स्टिच कर लिया है और यहाँ पे भी देखिए हमने 1 इंच पे स्क्वायर शेप पे स्टिच करके इसको अटैच कर दिया हैंडल को। अब ये हैंडल हमारा अटैच हो गया है इस साइड। अब हम ये जो हमने ये पॉकेट को ओपन बाहर निकाला था इसको हम अंदर सेट कर देंगे। इसको हमने इसलिए निकाला फ्रेंड्स कि हमारी ये पॉकेट इसमें साथ में स्टिच हो जाएगी, इसलिए हमने इस पॉकेट को निकाल लिया था। अब हम इस पॉकेट को अंदर की साइड करके ऐसे लॉक कर देंगे। देखिए अब ये हैंडल हमारा यहाँ पे अटैच हो गया है। अब हम 8x11 का ये कुल्टेड पीस लेंगे जिसमें हमने पॉकेट को अटैच किया था, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम चौक से सेंटर का मार्क लगा देंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे सेंटर है और ये 5 इंच की ये हम बेल्ट लेंगे। और ये फ्रेंड्स हम डी लूप आपको बताना भूल गए थे, दो हमको डी लूप भी लेना है और डी लूप को हम इस बेल्ट में इसमें डालेंगे। देखिए ऐसे डालेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले ऐसे स्टिच करेंगे और इसके बाद ऐसे करते हुए यहाँ पे स्टिच करके इसको हम लॉक कर देंगे। यहाँ पे इस वाले पार्ट में भी देखिए हमने 5 इंच की बेल्ट को डी लूप डालते हुए यहाँ पे सेंटर में मार्क करके यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब ये जो हमने डी लूप को स्टिच किया है इस वाली बेल्ट को, इसको हम इस साइड ऐसे करेंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे जैसे ये हमारा पार्ट स्टिच ना हो। देखिए स्टिच लाइन में ये आए ना, ऐसे हम पिन से इसको टक कर लेंगे। ऐसे ही इस साइड भी इसको ऐसे करते हुए यहाँ पे पिन टक कर लेंगे, ऐसे करते हुए यहाँ पिन टक कर लेंगे। ये देखिए पिन से हमने इसको टक कर लिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, देखिए ये वाला पार्ट लेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमने सेंटर का मार्क किया था कट लगा के। और इस वाले पार्ट को ये देखिए यहाँ पे ये सेंटर का मार्क है, ये हमने चौक से सेंटर का मार्क यहाँ पे लगाया था। और इस सेंटर के मार्क पे ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे कट वाले मार्क पे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे। यहाँ से सेंटर पे ऐसे रखते हुए हम पूरा स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे इसको। साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करते हुए इस वाले पार्ट को इसमें अटैच कर दिया है। अब जो थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से और इस साइड से दोनों तरफ से हमारा ये थोड़ा सा पीस बढ़ा हुआ है, तो अब हम पहले यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, इसके बाद इसको हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच करके पहले लॉक कर देंगे इसको, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दिया है। अब हम जैसे हमने इस वाले पार्ट को इसमें अटैच किया है ऐसे ही हम दूसरा ये पार्ट लेंगे और इसको हम ये देखिए यहाँ पे हमारा ये सेंटर का मार्क था, ये हमने चौक से सेंटर का मार्क लगाया था और इस साइड भी यहाँ पे हमने कट लगा के सेंटर का मार्क किया था। ये देखिए हमने कट लगा के सेंटर का मार्क किया था, इसको हम ये देखिए सेंटर के मार्क पर इसको ऐसे रखेंगे और पहले हम पिन लगा लेंगे जैसे ये पार्ट इधर खिसके ना। अब हम जैसे हमने इस वाले पार्ट को इसमें अटैच किया है ऐसे ही इस पार्ट को भी हम स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड से भी देखिए हमने इस वाले पार्ट को 8x11 वाले पार्ट को कुल्टेड पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब हम जो ये स्टिच लाइन है इसको हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। 1.5 इंच की ये पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को हम इस साइड से ऐसे रखेंगे और स्टिच करके हम चारों साइड से इस साइड से और इस साइड से इसमें पाइपिंग से हम स्टिच लाइन को कवर कर देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से हमने स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है। अब ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम 5x48 का ये कुल्टेड पीस लेंगे और ये वाली जिप लेंगे जो हमने 53 इंच की जिप ली थी, इसको लेंगे और जिस साइड से हमने रनर को डाला है, देखिए इस साइड से हमने रनर को डाला है, इस साइड हमें यहाँ पे ये देखिए इसको पहले हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सेंटर का मार्क कर लेंगे चौक से। देखिए ये हमने सेंटर का मार्क कर लिया, ये सेंटर है और सेंटर पे इस वाली जिप को हम जहाँ से हमने रनर को डाला है इस साइड से हम ऐसे सेंटर पे रखेंगे जिप को और ये इस पार्ट को ऐसे लेते हुए हम यहाँ पे ऐसे करते हुए सीधे स्टिच करके जिप को हम इसमें अटैच कर देंगे। कुल्टेड पीस में सीधे स्टिच करके हमने इस दोनों पार्ट को जिप में अटैच कर दिया है। देखिए अब जिप भी हमारी इस कुल्टेड पीस में अटैच हो गई है।
अब हम ये वाला प्लेन पीस लेंगे 5x48 का, इसी साइज का हम प्लेन पीस लेंगे। और प्लेन पीस को हम, ये देखिए, इसको हम दोनों पार्ट को ऐसे लेते हुए यहाँ पे ऐसे करते हुए इसको यहाँ से स्टिच करके लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को सीधे स्टिच करके प्लेन पीस को हमने लॉक कर दिया है। अब इसको हम पलट के सीधी साइड लाएंगे, ये देखिए सीधा कर लेंगे। और ये वाला जो फुलटेड पीस है, देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे। और जो ये स्टिच लाइन है, स्टिच लाइन पे ये वाला पार्ट ऐसे रखेंगे एकदम सेंटर पे, जो दोनों स्टिच लाइन को ऐसे मिलाते हुए ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे पहले पिन लगा लेंगे। इस प्लेन पीस को हमें इसमें कवर करके पिन अप करना है। देखिए, ऐसे करते हुए फुलटेड पीस में हम इसको ऐसे कवर करते हुए हम पिन से अटैच कर देंगे। पहले प्लेन पीस को हमने पिन से अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ से स्टिच करते हुए राउंड में स्टिच कर लेंगे। और इस साइड दोनों साइड से स्टिच करते हुए प्लेन पीस को हम फुलटेड पीस में अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को देखिए हमने दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर दिया है। प्लेन पीस हमने इसलिए स्टिच किया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो स्टिच लाइन है यहाँ की, यहाँ से हमारा एकदम नीटली पार्ट बन के रेडी होगा। तो अब जो ये हमने जिप अटैच की है सेंटर में, जिप को हमें सीधी साइड, देखिए ये सीधी जिप है, और इस साइड से हम यहाँ पे जो स्टिच लाइन है यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए 5 इंच पे ये मार्क किया हमने, और इस साइड से भी स्टिच लाइन से हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने 5 इंच में मार्क कर लिया है। और जो मार्क किया है, मार्क वाली लाइन से 1 इंच इस एक और मार्क करेंगे। ये देखिए 1 इंच इस साइड से और 1 इंच मार्क वाली लाइन से हमें मार्क करना है। देखिए दोनों साइड से 1 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम जिप को ओपन कर लेंगे। ये जो जिप है, जिप को हम ऐसे ओपन कर लेंगे। और ये जो हमने यहाँ पर 5 इंच पर मार्क किया है, यहाँ पर हमें जिप को ऐसे रखना है। और यहाँ पर ऐसे करते हुए हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। देखिए पिन लगा ली। ऐसे ही इस साइड भी हम 5 इंच पे जो हमने मार्क किया है, हम यहाँ पे ऐसे इसको पिन से अटैच कर देंगे। और ये जो हमने 1 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से हम स्टिच करना शुरू करेंगे। और पूरा राउंड में स्टिच करते हुए जिप को हम अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे एंड वाला पार्ट है जिप का, इसको हम यहाँ पे पिन, जो हमने पिन लगाई है, इसको निकाल लेंगे। और इस वाले पार्ट को हम अंदर की तरफ करेंगे। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हमने पिन लगाई थी, इसको इसके ऊपर रखते हुए हम यहाँ पे, देखिए, थोड़ा सा पार्ट याला बाहर निकाल देंगे। देखिए इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे जिप को। इसके ऊपर जिप को रखते हुए हम स्टिच करके इस पार्ट को, इस वाली जिप को भी हम साथ में लेके अटैच कर देंगे। ये जो हमने 5 इंच पे हमने पिन अटैच किया था, तो पिन को हम निकाल लेंगे। और ये वाली जिप को हम नीचे की साइड में करते हुए इसके ऊपर ये जिप रखेंगे। और ये वाली जो जिप है, इसको हमने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है। ये देखिए बाहर निकाल दिया और इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लिया है। और इस वाली जिप को हमने अंदर से लॉक कर दिया है। अब जो ये जिप हमारी बाहर की तरफ निकली है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब जैसे हमने इस साइड हमने स्टिच किया है जिप को, ऐसे ही इस साइड भी हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए 1 इंच पे जो हमने मार्क किया है, यहाँ से हम स्टिच करना शुरू करेंगे और जिप को इसमें अटैच कर देंगे फुलटेड पीस में। अब इस साइड भी देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा एंड का पार्ट है, जिप का एंड का पार्ट है, इसको हम पिन पहले निकालेंगे। जो पिन लगाया था 5 इंच पे मार्क करके, इसको हम अंदर करेंगे। और ये वाली जो हमने पिन लगाई थी, इस वाली जिप को हम इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा पार्ट हम बाहर निकाल देंगे। और इसके ऊपर स्टिच करके इसको हम लॉक कर देंगे जिप को। इस साइड भी हमने इस वाले पार्ट में, एंड में, ये 5 इंच पे जो हमने मार्क करके पिन लगाई थी, यहाँ से हमने पिन को निकाला और इस वाली जिप को हमने अंदर किया। और इसके ऊपर इसको रखते हुए हमने स्टिच करके इसको लॉक कर दिया है। और थोड़ा सा पार्ट हमने बाहर निकाल दिया है और इसको यहाँ पे लॉक कर दिया है। अब ये जो जिप है, जिप का ये ओपन पार्ट है, इसको दोनों साइड से स्टिच करके इसको हम फुलटेड पीस में अटैच कर देंगे। दोनों साइड से देखिए जिप को हमने अटैच कर दिया है इसमें फुलटेड पीस में। देखिए स्टिच करके हमने अटैच कर दिया है। अब ये जिप हमारी इसमें फुलटेड पीस में अटैच हो गई है। अब हम
8 बाय 16 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे और सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये इस वाले पीस में हमने इस साइड दोनों साइड से सेंटर का मार्क लगाया है और इन दोनों साइडों से सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब चारों साइड से हमने देखिए सेंटर का मार्क लगा लिया है क्विल्टेड पीस में। अब हम इस वाले पार्ट में भी सेंटर का मार्क लगाएंगे। ये जो हमारी स्टिच लाइन है जहाँ पे हमने जिप को अटैच किया था और ये जो हमने लॉक किया है इसको हम देखिए ऐसे लेंगे और यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे हम कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये ऐसे कट लगाएंगे इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से हम सेंटर का कट लगा लेंगे। ये दोनों हमारा सेंटर का मार्क हो गया। ऐसे ही इस वाले पार्ट को ये देखिए, ये जो हमारी स्टिच लाइन है इसको ऐसे लेंगे और देखिए सेंटर पे रखेंगे और इस साइड से इन दोनों साइडों में हम कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस साइड हम चौक से सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये देखिए चौक से सेंटर का मार्क कर लेंगे और इस साइड से भी हम देखिए ऐसे सेट करते हुए ऊपर और नीचे दोनों साइड से हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब हम ये जो हमारी स्टिच लाइन है यहाँ पे इस वाले कट को देखिए सेंटर के मार्क को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे और इस साइड भी हम इस वाले कट को इस वाले कट से ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। ऐसे ही इस वाले कट को, ये जो हमने यहाँ पे सेंटर का कट लगाया है सेंटर के मार्क को इस पे ऐसे रखते हुए हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। अब हम इस साइड से पिन निकालते हुए चारों साइड से स्टिच करके राउंड में पूरा स्टिच करते हुए इस वाले क्विल्टेड पीस को जिप वाले पार्ट में अटैच कर देंगे। चारों साइड से देखिए हमने स्टिच करके इसको क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब ये जो स्टिच लाइन है, स्टिच लाइन को हम पाइपिंग से कवर कर देंगे और ये 1.5 इंच की पाइपिंग है, पाइपिंग को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच करते हुए हम स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। चारों साइड से स्टिच करके पाइपिंग से हमने स्टिच लाइन को कवर कर दिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसमें हम ये हमने पॉकेट्स को अटैच किया है। इसको हम देखिए इसको ऐसे करते हुए इस वाली स्टिच लाइन को ऐसे लेंगे और यहाँ पे हम सेंटर का कट लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे और ऐसे ही इस साइड भी ये दोनों स्टिच लाइन को ऐसे मिलाते हुए और इस साइड से हम सेंटर का कट लगा लेंगे और ऐसे ही देखिए ये वाली जो स्टिच लाइन है और ये वाली स्टिच लाइन है इसको ऐसे मिलाएंगे और इस साइड हम यहाँ पे हल्का सा कट लगा के सेंटर का मार्क कर लेंगे और ऐसे ही इस साइड से भी दोनों स्टिच लाइन को ऐसे मिलाएंगे और इस साइड से हम यहाँ पे सेंटर का मार्क लगा लेंगे। ये देखिए चारों साइड से हमने कट लगा के सेंटर का मार्क कर लिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसमें भी हमने स्टिच पाइपिंग से स्टिच किया है, इस वाले पार्ट को लेंगे और ये जो सेंटर का कट लगाया है यहाँ पे देखिए इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। जो सेंटर का कट लगाया है उसमें हम पिन लगा लेंगे, इसके बाद हम स्टिच करके इसको इसमें अटैच कर देंगे। देखिए ये जो यहाँ पे हमारा सेंटर का मार्क है, ये देखिए ये जो सेंटर का मार्क है इसको हम यहाँ पे ऐसे इस वाले कट पे ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। देखिए पिन से हमने अटैच कर दिया है। अब हम पिन निकालते हुए चारों साइड से स्टिच करके इस क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर देंगे। पूरा स्टिच करते हुए हमने इसमें क्विल्टेड पीस को अटैच कर दिया है जिप वाले पार्ट को। अब जो ये स्टिच लाइन है इसको हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। देखिए 1.5 इंच की ये पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे रखते हुए हम चारों साइड से स्टिच करके पाइपिंग को इसमें अटैच कर देंगे। ये पूरा हमने स्टिच करके
ये पाइपिंग से स्टिच लाइन को कवर कर दिया है। अब हमारा बैग बन के रेडी है। अब हम इस जिप को खोलेंगे और इसको हम पलट के सीधी साइड ले आएंगे। देखिए हमारा बैग बन के रेडी है। अब इस साइड जो हमने डी लूप डाला था, इस साइड हमें बेल्ट को, जो हमने 45 इंची बेल्ट लिए है, उसको यहाँ पे अटैच करना है। ये हमारी 45 इंच की बेल्ट है, इस साइड से इसके अंदर ऐसे डालेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हम ऐसे स्टिच करके, यहाँ पर स्क्वायर शेप में स्टिच करके दोनों साइड से हम यहाँ पे इस हैंडल को अटैच कर देंगे। इस साइड और इस साइड, दोनों साइड से हमने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब हमारा बैग बन के रेडी है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हमने जिप अटैच की थी, इसको हम यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे और इसको हम अंदर करके इस बैग को छोटा कर लेंगे। साइड से हम देखिए काफी यूजफुल है ये बैग फ्रेंड्स। और एक पॉकेट हमारी बैक साइड में है, यहाँ पे देखिए एक पॉकेट है और इसको हम जिप से लॉक करेंगे और यहाँ पे पॉकेट है और इसके अंदर की साइड में पॉकेट है। तो 6 पॉकेट वाला ये हमारा ट्रेवल बैग बन के रेडी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ आप सबसे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा ट्रेवल बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।